प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसे कि आजकल आपको पता है लॉकडाउन की वजह से घर से पढ़ाओ अभियान जो चल रहा है उसी के तहत आज हम लोग कक्षा चौथी और पांचवी से संबंधित एक हमारा टॉपिक रहेगा जिसका नाम है पार्ट्स एंड होल। इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बच्चों आप अपनी पिछली क्लास यानी चौथी कक्षा में आप पढ़ चुके हो। जो चैप्टर आपने पढ़ा था उसमें क्वार्टर्स के नाम से और हाफ्स के नाम से, हाफ्स एंड क्वार्टर्स के नाम से आपका एक चैप्टर था, तो उसी को हम इस चैप्टर के साथ जोड़ते हुए आज आपको ये जो कंसेप्ट है होल एंड पार्ट्स की, आपका जो आपका हाफ्स एंड क्वार्टर्स हैं इस दोनों को हम जोड़ करके समझाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई चीज़ इस तरीके से इस रूप में हो उसका कोई हिस्सा ना हो, हिस्सा और पार्ट ये दो चीज़ें हम सबसे पहले जान लें कि हिस्सा क्या होता है और पार्ट क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास ये एक कोई चीज़ है चकोर, आप इसको केक कह लीजिए या कोई और खाद्य वस्तु मान लीजिए इसको। जब तक कि हम इसको बांटेंगे नहीं, जब तक कि हम किसी और को इसको नहीं देंगे या हमारे से कोई और नहीं मांगेगा, ये हमारे पास एक ही है, तो हम इसको क्या कहते हैं होल। इसका कोई पार्ट नहीं किया, इसका कोई डिवीजन नहीं किया, किसी को बांट के नहीं देना हमें, तो ये सारी है, तो हमारे पास ये सारी है, तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं होल और हिंदी में इसको कहेंगे सारा। इसके बाद इसी तरीके से कोई गोल वस्तु, मान लीजिए हमारे पास एक रोटी है, हमने इसको किसी को नहीं देना, हमने सिर्फ एक आदमी को ही खानी है। जब इसको एक ही आदमी खाएगा तो उसको किसी को देनी तो है ही नहीं, तो ये क्या होगी उसके लिए, वो क्या होगी सारी। उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे होल, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे किसी और को देंगे तो फिर उसको हम कहेंगे पार्ट। तो पहले होल के बारे में आपको पता लग गया कि होल क्या होता है, सारे का सारा। जब आपके पास कोई चीज़ है और आप उसको किसी को नहीं दे रहे हैं तो वो क्या है होल, और अगर आप उसको देंगे किसी को बांट के देंगे उसमें से कोई हिस्सा बनाएंगे यानी कि उसका डिवीजन करेंगे तो हम उसको करेंगे पार्ट। देखिए ये दोनों होल हैं। उसके बाद अगर हम हमारे पास कोई ये चॉकलेट है या कोई और वस्तु है खाने की, अगर हमारे पास चार बच्चे आ जाएं, चार बच्चे और आ जाएं आपके पास और वो उसको मांगने लगें, तो चार बच्चों को देने के लिए हम इस चीज को चार हिस्सों में बांटेंगे बराबर बराबर। देखिए हमने एक लाइन ऐसे लगाई फिर एक लाइन ऐसे लगाई, अगर हम इसी चीज को दो हिस्सों में बांटना चाहें तो हमें इसको बराबर दो हिस्सों में कैसे बांटना होगा, इसके बीच में बिल्कुल बीच में दो हिस्से हो जाएंगे इसके। अब हमारे पास ये वस्तु कितने लोगों के बीच में बांटी जाएगी, दो के बीच में, इसका मतलब है ये क्या हो गया है 1/2, यानी इसके कुल हिस्से कितने हो गए, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, तो ये कितने हो गए दो, तो इसके हमने दो हिस्से बना दिए 1/2 इधर और 1/2 इधर, और 1/2 1/2, तो दोनों कितने हो गए सारे, दोनों हो गया एक हिस्सा। चलिए आपके पास दो बच्चे और आ जाएं, अगर आपके पास दो बच्चे और आ जाएं तो अब तो ये चीज सिर्फ दो बच्चों के बीच में बढ़ सकती थी, लेकिन अगर आपको दो और आ गए तो कितने हो गए चार, तो अब हम इसको चार हिस्सों में बांटेंगे ऐसे। अब कितने हिस्से हो गए इसके, एक दो तीन और चार, कुल कितने हिस्से हो गए इसके, अब इसके कुल चार हिस्से हो गए। और एक बच्चे के हिस्से में कितनी वस्तु आई है इसमें से, अगर एक बच्चे के हिस्से की बात करें तो चार भाग कुल है, तो एक बच्चे के हिस्से में आएगी 1/4, दूसरे के हिस्से में भी कितनी आएगी 1/4, तीसरे के हिस्से में भी कितनी आएगी 1/4, और चौथे के हिस्से में भी कितनी आएगी 1/4, क्योंकि हमारे पास चार वस्तुएं हैं और हर कोई इनमें से एक एक वस्तु यानी इसका एक एक हिस्सा लेगा तो उसको हम क्या देंगे 1/4। मान लीजिए कि हमारे पास ए बी सी और डी चार बच्चे हैं, तो अगर हम इसको चार बच्चों में डिवाइड करेंगे तो ए का हिस्सा कितना हो गया 1/4, बी का हिस्सा भी कितना हो गया 1/4, सी का भी 1/4 और डी का भी 1/4। इसी तरीके से हम इसी के आधार पर और भी चीजों को अलग अलग तरीके से हिस्से और उसके जो भाग हैं पार्ट हैं उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा जो झंडा होता है ट्राई कलर का, अब इसमें कितने भाग हैं, इसको तीन हिस्सों में बांटा गया, एक हिस्सा ये हो गया दो और तीन। अब आपसे कोई ये पूछे कि इसमें लाल रंग कितना हिस्सा है, तो तीन भाग तो सारे हो गए, तो लाल रंग यानी कि जो सैफरन कलर है केसरिया वो कितना होएगा 1/4,
तीन। इसी तरीके से सफेद कलर का भी कितना आएगा, 1/3, और ग्रीन कलर का भी कितना आएगा, 1/3। तो इस तरीके से हमने इस सारे को, इसको हम क्या कहेंगे, अगर हम इस तीनों हिस्सों को अगर इकट्ठा करें तो हम इसको क्या कहेंगे, होल। लेकिन अगर हम इनको इस तरीके से तीन हिस्सों में बांटे तो हम कहेंगे इसको पार्ट। और एक पार्ट 1/3, दूसरा पार्ट भी 1/3, तीनों बराबर भागों में बांट दिया ना इसको, इतना ही भाग ये है, इतना ही ये है और इतना ही है, तो बराबर बराबर है। लेकिन अगर मान लो हम इसमें भी रेड कलर कर दें, सपोज करो कि अगर ये हमारा भाग ये भी लाल कलर का हो जाए, तो अब लाल कलर के जो पार्ट हैं वो कितने होंगे, अब तीन तो इसमें सारे हैं, तो रेड कलर के कितने हो जाएंगे, 1 और 2। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/3, 2/3। और अगर हम इसको और इसको दोनों को ग्रीन कर दें तो अब ग्रीन का भी कितना पार्ट हो जाएगा, ग्रीन को भी ये कहेंगे 2/3। और अगर इसका पार्ट, इसका पार्ट, इसका पार्ट, तीनों का अलग अलग पूछें तो क्या लिखना है, 1/3, 1/3, 1/3, यानी तीन भाग सारे हैं, एक भाग लाल का है, एक भाग सफेद का है और एक भाग ग्रीन का है। इसी तरीके से हमारे पास और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिससे आप लोगों को ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि आप लोगों ने पूरी वस्तु को हिस्सों में कैसे बांटना है। जैसे हमारे पास ये चॉकलेट है, ये पूरी चॉकलेट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, एक चॉकलेट, यानी कि ये क्या है, होल। इसी तरीके से अगर आपके पास 10-12 बच्चे आ रहे हैं क्लास में, आपके पास 10 या 12 बच्चे हैं, आपके साथी हैं 10-12, उन 10-12 बच्चों को अगर इसको बांटना हो और सबको बराबर हिस्से देने हो तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे। जैसे हमारे पास इसमें रेड कलर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, और एक और हम बराबर हिस्सा ले लेते हैं इसका, और ये हमारे पास इसके 12 हिस्से हो गए। अब इन 12 को हम स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे भी कह सकते हैं, या आप इनको ABCD का भी फॉर्म दे सकते हैं। जैसे अगर एक बच्चे को इस चॉकलेट में से 12 हिस्से कुल हैं इसमें, और एक हिस्सा अगर उसको आया, यानी कि ए को मान लो कितना मिला, 1/12, बी को कितना मिला, उसको भी 1/12, सी को भी कितना मिला, 1/12। अगर इन सबको एक एक हिस्सा मिलेगा तो हम इसको लिखेंगे कि सी को भी 1/12 मिला है, बी को भी 1/12 मिला है और ए को भी 1/12 मिला है। तो इसके आधार पर हम बच्चों को या आप लोग ये चीज सीख सकते हैं कि हिस्सा और पूरा क्या होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।